नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.4 प्रश्न नंबर 2 का पांचवा भाग है। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, जबकि सुमी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के ₹21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। मान लो नियत किराया है ₹X और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ₹Y। बच्चों ध्यान से समझना जरा, नियत किराया जो है वो प्रथम 3 दिनों का है, यानी आपने हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, जितने भी दिन के लिए ली उनके लिए पहले 3 दिनों का नियत किराया है ₹X। उसके बाद हर अतिरिक्त दिन, उसके बाद जितने दिन अलग होंगे, 3 दिनों के बाद जितने और दिन होंगे उनका ₹Y प्रतिदिन के हिसाब से किराया लगेगा। इसके हिसाब से देखिए, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी, इसका मतलब सरिता के लिए पहले 3 दिनों का किराया लग गया एक्स। 7 में से 3 दिनों का किराया ये हो गया, बाकी कितने दिन रह गए? 4 दिन। एक दिन का किराया है वाई, प्रत्येक दिन का किराया है वाई, एक दिन का वाई, 2 दिन का 2 वाई, 3 दिन का 3 वाई, 4 दिन का 4 वाई। ये समझे आप? ये 4 क्यों लिखा, यहां 7 क्यों नहीं लिखा? पहले 3 दिन का किराया है ₹X। ये देखो नियत किराया ₹X, नियत किराया कितने दिनों का है? 3 दिनों का। तो पहले 3 दिनों का किराया हो गया नियत, नियत मतलब फिक्स्ड किराया है ₹X। उसके बाद टोटल उसने 7 दिन लिया, 3 दिन का ये हो गया, बाकी रह गया 4 दिन। एक दिन का किराया वाई, 4 दिनों का हो गया 4 वाई। इन दोनों को मिलाकर उसने कुल कितने रुपए अदा किए हैं? ₹27। इसी प्रकार से सुमी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, तो पहले 3 दिनों का उसका किराया हो गया ₹X। 5 में से 3 दिन ये हो गए, बाकी कितने रह गए? 2। एक दिन का ₹Y, 2 दिन का हो गया ₹2। ये टोटल किराया उसका जो है वो बनता है कितना? ₹21। तो ये हमारे पास 2 समीकरणें आ गई, हमें इनको हल करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर x का गुणांक यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हमें किसी को भी गुणा करने की ज़रूरत नहीं। हम इन रकमों को एक बार दोबारा एक दूसरे के ऊपर नीचे रखेंगे और इससे भी पहले हमें एक काम करना है, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। जैसा कि आप जानते हैं पहले भी बहुत से सवाल कर चुके हैं, यदि ये सेम हो, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो इनको करना पड़ता है माइनस। यदि यहाँ x यहाँ माइनस x होता तो इन दोनों समीकरणों को करते प्लस, लेकिन अभी यहाँ भी x है यहाँ भी x है, इसलिए इनको माइनस करना पड़ेगा। इस समीकरण को इसमें से माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करने के लिए क्या करते हैं, जब भी समीकरण माइनस होते हैं तो उसके नीचे वाली समीकरण के सारे साइन हम बदल देते हैं। इसके साथ प्लस है तो ये हो गया माइनस। अब प्लस x से माइनस x कट गया, ठीक है, इसी को विलोपन विधि कहते हैं कि x विलोप्त हो गया या y विलोप हो गया। 4 में से 2y माइनस, प्लस 4 माइनस 2, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2y माइनस किया तो आ गया 2y बराबर 27 माइनस 21, 27 में से 21 निकाले 6, तो यहाँ से y आ गया 6, 2 इधर गुना हो रहा है उधर जाके हो गया भाग, तो ये आ गया 3। इसका मतलब y का मान हमारे पास कितना आ गया है? 3 आ गया है। आगे अब इसे हल करेंगे, ये y का मान हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, चाहे 1 में रख सकते हो चाहे 2 में, मैं 1 में रख रहा हूँ। x प्लस 4y, y कितना है? 3, तो 4y यानी 4 गुना y यानी 4 गुना 3 बराबर है
27 के, यहाँ देखो x x प्लस प्लस 4y, 4 गुना y, y की जगह 3 क्योंकि y अभी हमने 3 निकाला है, बराबर 27, बराबर 27। इसे हल करते हैं, x प्लस 4 तीय 12 बराबर 27, x आ गया 27, 12 यहाँ प्लस हो रहा उधर आके हो गया माइनस, 27 में से 12 माइनस कर दिए 15, इसका मतलब x का मान कितना आ गया है 15। तो अब हमें जो निकालना है वो है नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो मैं यहाँ लिखता हूँ नियत किराया, और यह नियत किराया किसके बराबर था, देखिए नियत किराया किसके बराबर था, एक्स रुपए। और अभी देखिए एक्स हमारे पास किसके बराबर आया है, 15 रुपए के बराबर। एक्स 15 है, नियत किराया हो गया 15 रुपए, यानी फिक्स्ड किराया है 15 रुपए। अगला है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है वाई रुपए, और वाई हमारे पास कितना आया है 3, इसका मतलब हर एक एक्स्ट्रा दिन का किराया हो गया 3 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। ठीक है बच्चों, यही हमें निकालना था, नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तो ये हमने निकाल दिए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आएगा, जहाँ से भी ना समझ आओ एक बार वीडियो थोड़ा सा दोबारा चला के देखिए, आपको ज़रूर समझ आएगा। देखिए आपको समझाने के लिए हम अलग अलग कलर्स का प्रयोग करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आपको प्रश्न अच्छे से समझ आए। आशा करता हूँ आपको हमारी मेहनत पसंद आएगी, समझ आएगी, ज़रूरी यह है कि आपको समझ आए क्वेश्चन। यदि आपको समझ आए, यदि आपको अच्छी लगे हमारी मेहनत, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से ही हमें और अधिक मेहनत से वीडियोज़ बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।